वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना अमेजोन हॉल शेयर करने वाली हूँ। आप सभी को तो अभी पता ही है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन सेल लगा हुआ था। इस बार मैंने अमेजोन से दो शूज़ मंगाए हैं जो कि मेन शूज़ है, एंड एक है वुमेन शूज़ जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं, एंड एक ट्राईपोड भी मैंने मंगाया है, वो भी मैंने अमेजोन से ही लिया था। सो चलिए बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा फर्स्ट शूज़ जो कि एशियन का शूज़ है, एंड ये एक मेन शूज़ है। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है, चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं। ये इस तरह के पैकेजिंग में आया है, ऊपर में एक रैपर से ये रैप हुआ है, एंड ये जो शूज़ है ये ग्रे एंड ब्लू कलर में है। यू कैन सी ये किस कलर में है। एंड बात करें इसकी क्वालिटी एंड लुक की, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड एशियन की शूज़ काफ़ी अच्छी रहती है एंड लाइट वेट रहती है। ये स्पोर्ट्स शूज़ है जो कि बहुत लाइट वे है, आप जब इसे वेयर करोगे तो ये बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने शूज़ पहना है। ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है, इसमें टैग्स वगैरह दिए हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है इसकी क्वालिटी के बारे में। ग्रे एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें नेट डिटेलिंग है। मुझे शूज़ के बारे में उतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, बट मुझे ये शूज़ अच्छा लगा, ये काफ़ी हल्का है, एंड ये आपको 450 में मिल जाएंगे। सो इस प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी की शूज़ मिलना काफ़ी वर्थ इट है। तो अगर आप भी अपने लिए शूज़ बाय करना चाहते हैं एंड काफ़ी दिनों से आपने सोचा है कि मुझे ये शूज़ लेना है, तो आपको मेरे रिव्यू से पता चल ही जाएगा कि आपको ये शूज़ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट मेरे हिसाब से ये शूज़ क्वालिटी में काफ़ी अच्छी है, आप इसके लिए जा सकते हो। इस शूज़ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ओवरऑल इस शूज़ को देख सकते हैं। चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं सेकेंड शूज़ की, जो मैंने अगेन अमेजोन से ही मंगाया है। सो ये रहा हमारा शूज़, ये भी काफ़ी अच्छे से पैक होके आया है, बॉक्स थोड़ा सा भी डैमेज नहीं है। अब इसे ओपन करके देखते हैं कि शूज़ की क्वालिटी कैसी है। जो शूज़ है वो प्लास्टिक के रैप में आए हैं, जैसे आप नॉर्मली शॉप से शूज़ ख़रीदने जाते हो नॉर्मल शॉप से, तो उस तरह के ये रैप में आया है। ये शूज़ किसी कंपनी वगैरह की है या नहीं मुझे नहीं पता, बट लुक वाइज मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। सो आप देख सकते हैं कि ये शूज़ की डिटेलिंग कैसी है। इसके सोल रेड में है, एंड ये ब्लैक एंड ग्रे काइंड ऑफ कलर में है। अब चलिए शूज़ को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ये दिखता कैसा है। सो आपने ओवरऑल शूज़ देख ही लिया है कि ये कैसा दिखता है। इसमें नेट एंड लेदर डिटेलिंग है, ये पहनने में कंफर्टेबल है, बट ये उतना लाइट नहीं है जितना एशियन का शूज़ था, ये थोड़ा उससे हेवी लगा मुझे जब मैंने इसे उठाकर देखा। बट एशियन का जो शूज़ था वो काफ़ी लाइट वेट था। तो चलिए जो थर्ड शूज़ है अब उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो थर्ड शूज़ है ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये एक वुमेन शूज़ है। पिछला जो मैंने दो शूज़ दिखाया था वो मेन शूज़ था, एंड ये वुमेन शूज़ है। मुझे पिंक एंड ग्रे कलर की शूज़ काफ़ी दिनों से चाहिए था इसीलिए मैंने ये शूज़ ऑर्डर किया, एंड जैसा इमेज में शूज़ था ये बिल्कुल वैसा ही है। चलिए अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये अगेन एशियन की रेगुलर पैकेजिंग की तरह
आई है, बट बॉक्स की कंडीशन उतनी ठीक ठाक नहीं थी, बट शूज़ काफ़ी अच्छे हैं। यू कैन सी शूज़ जो है वो पिंक, लाइट ग्रे एंड थोड़ा डार्क ग्रे, तीनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। ऊपर पिंक की लाइनिंग दी हुई है। शूज़ काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको इसे बाय करना चाहिए। एंड ये लास्ट प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो, ये एक ट्राइपॉड है जिसे मैंने ओपन करके देख लिया हुआ है। सो, मैं इसे फिर से आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरह के कॉटन में आया है एंड ये ट्राइपॉड मुझे इस प्राइस में काफ़ी अच्छा लगा। एंड बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये मुझे 300 रुपीज़ में मिल गई ऑफ़र में। एंड इस ट्राइपॉड की जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे वो दिया गया है, इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, इसका वेट कितना है, ये कितना एरिया को कवर कर सकता है, ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे बॉक्स में दी हुई है। यू कैन सी काफ़ी हल्का है, ये सिर्फ 420 ग्राम का है, मतलब हाफ केजी भी नहीं है ये। अब बात करते हैं इसे यूज़ कैसे किया जा सकता है, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप इसे सेल्फी स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप इसकी हाइट को काफ़ी हद तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके जो लेग्स है वो एल्युमिनियम के लेग्स है एंड लेग्स के इन में रबर की ग्रिप दी हुई है। ये इस तरह के पाउच में आता है। जो इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा ट्राइपॉड एंड यहाँ पे एक मोबाइल क्लिप भी दिया हुआ है। जो मोबाइल क्लिप का साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लगा, आप देख सकते हैं इसकी साइज़ कितनी छोटी है। इसमें थोड़ा आपका फ़ोन एडजस्ट करने में दिक्कत होता है, पर चलता है, ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। ये हमारे एक फिंगर से भी छोटा है, बट थोड़ा सा एडजस्ट करने पे हमारा जो फ़ोन है इजीली इसमें फिट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी लेग्स वगैरह की, तो जो ट्राइपॉड्स की लेग है वो एल्युमिनियम की है एंड इसके ऊपर में हैंडल वगैरह दिए हैं जहाँ पे आप अपने कैमरा भी फिट कर सकते हैं। इसके लेग्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ इस तरह का क्लिप दिया हुआ है जिसे आप ओपन करिए एंड टाइट करिए, तो इस तरह से आप जो इसके लेग्स के साइज़ है उसको इतना एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड रही बात इन्वर्टेड वीडियो शूट करने में, तो इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है इन्वर्टेड वीडियो शूट करने में। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड जितने भी प्रोडक्ट मैंने लिए हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं इस ट्राइपॉड का फुल व्यू दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले इसकी हाइट कितनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल।